नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जिसका नाम है रितेश किचन बाइट्स। आज आपके साथ फिर से एक शानदार रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, जिसका नाम है मिक्स वेज। मिक्स वेज आपने खाई होगी शादी में, पार्टियों में, होटल रेस्टोरेंट में, कहीं भी आपने खाई होगी, आपको पसंद ज़रूर आई होगी, क्योंकि इसका बनाने का अंदाज़ ही कुछ निराला है। स्वाद में सबसे ज़बरदस्त, सबसे हटके, और हम बनाएंगे इसे घर पर बहुत ही आसानी से, सबसे बेहतरीन तरीके से। चलिए बनाते हैं। हमने सब्जियाँ काट ली हैं, जैसे कि देखिए बारीक कटी हुई गाजर हैं, ये फ्रोज़न मटर है, वॉश करके ले लिया है। शिमला मिर्च को देखिए दाने निकाल दिए हैं, ऊपर का हिस्सा निकाल दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और प्याज को भी कुछ इस तरीके रिंग्स निकाल लिए हमने, जो बाहर साइड का जो प्याज का हिस्सा होता है वो ले लिया है। और आलू को भी देखिए यहाँ पर काट करके ले लिया है। गोभी को अच्छे से काट करके साफ़ कर लिया है हमने। और इसके स्वाद को बहुत बढ़िया बनाने के लिए यहाँ पर हरे कद्दू का इस्तेमाल किया है, बहुत नरम कद्दू है, इसलिए छिलके के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं हम। और उसी के साथ में ये एक कटोरी पत्ता गोभी बारीक कटी हुई। सब्जियों की तैयारी हमारी हो चुकी है, यहाँ पर कर लेते हैं प्याज का पेस्ट तैयार। तो जो प्याज हमने बाहर की इसके इस्तेमाल किए थे, उसके अंदर वाले हिस्से और कुछ अलग से प्याज ले लिए हैं, कुछ लहसुन और एक हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक, इन सबका एक महीन सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। सारी तैयारी हम पहले कर लेंगे तो हमारी सब्जी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्याज का पेस्ट हमारा हो गया रेडी। और इसी तरीके से हम ये टमाटर, ये देसी टमाटर नहीं है, सलाद वाले टमाटर, इसे थोड़े ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किए हैं, और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, तब हमारी सब्जी बनेगी फटाफट और सबसे शानदार। देखिए प्याज और टमाटर दोनों का पेस्ट हो चुका है हमारा रेडी। अब मसालों का घोल भी यहीं पे तैयार कर लेते हैं हम पहले से ही आज। तो 2 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर, और उसके साथ ही 1/2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च है, इसे थोड़ी कम इस्तेमाल करी है, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। बस हल्का सा पानी मिलाकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। और देखिए सारी तैयारी हमारी हो चुकी है, तो सब्जी भी बहुत फटाफट बनेगी और अलग तरीके से बनेगी। अभी तैयारी हो चुकी है। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल ले रहे हैं हम, आप चाहें तो दूसरा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल के गर्म होते ही 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई दाना, बस इसके चटकते ही हमारे सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे आलू। आलू को थोड़ा सा भूनना है उससे पहले, ताकि इसमें एक अच्छा सा सुनहरा एकदम कलर आ जाए, सोनापन आ जाए। बाकी सब्जियां तो थोड़ी आसानी से पक जाएंगी, बस आलू में हल्का सा कलर चेंज होते ही यहाँ पर हम मिलाएंगे गोभी। बस गोभी को यहाँ पर ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम, थोड़ा सा इसमें अच्छा सरसों के तेल के साथ फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए निखर करके, और हल्का सा इसमें क्रंचीनेस रहे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। उसी के साथ यहाँ पर मिला देंगे हम गाजर। देखिए गाजर को भी किस तरीके से काटा है ना, देखने में इसका एकदम बहुत अच्छा, एकदम टेक्सचर दिखे, एकदम देखने में सब्जी हमारी बहुत सुंदर दिखे। अब इसे ढक देते हैं, थोड़ी देर ढक करके पकाएंगे तो हमारी सब्जियां आसानी से पक जाएंगी यहाँ पर। ये देखिए अब यहाँ पर इन सब्जियों के पकने के बाद में हम मिलाएंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमने पहले नहीं मिलाई क्योंकि ये पानी छोड़ने लगेगी, हमारी सब्जी गड़बड़ जाएगी। उसी के साथ पत्ता गोभी, हमारी जो प्याज के हमने इस तरीके से डिज़ाइन वाली काटी थी वो, और यहीं पर कद्दू। कद्दू भी हमारा नरम है तो ज़्यादा समय इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा पकने में। और ये सारी सब्जियां यहाँ पर इसलिए मिलाई हैं ताकि ये ज़्यादा नहीं पकाना, हमको इनका एक कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक क्रिस्पी वाली सब्जी इनके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएंगी। ढक करके पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, सिर्फ हल्की सी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए बस इतना। ये देखिए सब्जियाँ लगभग हमारी पक चुकी हैं, फिर भी चेक कर लेते हैं और यहाँ पर अच्छी तरीके से चला लेते हैं, चारों तरफ से अच्छी पक जाएँ। उसके बाद हम मिला रहे हैं हमारी मटर, ये फ्रोज़न मटर है इसलिए हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाने की ज़रूरत है, इसको साफ़ कर लिया अच्छी तरीके से, हम मिलाएंगे बस, वैसे ही नरम रहती हैं और जल्दी पक जाती हैं। और ये सब्ज़ी हमारी हो चुकी है रेडी, इसको निकाल लेते हैं अलग और एकदम शानदार वाली ग्रेवी तैयार करते हैं, जिससे इसका इतना अच्छा फ्लेवर आएगा ना कि आप रेस्टोरेंट होटल जहाँ की भी आपको पसंद है खाना बंद कर देंगे। अब फिर से ले रहे हैं थोड़ा सा सरसों का तेल बस, और ज़रा से खड़े मसाले अपनी पसंद के हिसाब से, आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और खड़े मसाले जैसे ही हमारे तड़केंगे ना, बस यहाँ पर हम मिला देंगे हमारा वो, हमने तैयारियाँ कर ली थी तो सबसे पहले प्याज लहसुन का पेस्ट, बस प्याज लहसुन के पेस्ट को यहाँ पे एकदम कलर चेंज होने तक, सुनहरा एकदम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे। ये देखिए हमारा प्याज एकदम गोल्डन कलर का हो चुका है। यहाँ पे हमारे मसालों का घोल, मसालों का घोल हमारा अच्छी तरीके से फूल चुका है पानी के अंदर, तो इसको भी ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लगेगा पकाने में, जलने का भी यहाँ पे खतरा ख़त्म हो गया है। थोड़ी देर अच्छे से पकाने के बाद में यहाँ पे बेहतरीन कलर के लिए 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया हमने,
बस कश्मीरी लाल मिर्च को थोड़ा सा भूनना है, अगर हल्का सा चिपकने लगे थोड़ा थोड़ा हम पानी यहाँ पर पानी के छींटे लगाकर पका लेंगे और उसके साथ मिला देंगे यहाँ पर टमाटर का पेस्ट। अब टमाटर के पेस्ट के साथ इन मसालों को हमें 5 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है। जब हमारा टमाटर और सारा मसाला एकदम चारों तरफ से तेल छोड़ देंगे ना, तब समझ जाएंगे हमारा कि मसाला परफेक्ट तरीके से भून चुका है। तो देखिए लगातार भूनने के बाद 5 मिनट चारों तरफ से हमारा मसालों ने तेल छोड़ दिया है, ये पक चुका है मसाला। अब यहाँ पर हमारी रोस्टेड वेजिटेबल्स, देखिए सब्जी हमारी पहले से पकी हुई है, सिर्फ यहाँ पे एक बढ़िया सी कोटिंग चाहिए मसालों के साथ में कि मसालों का फ्लेवर इनके अंदर तक पहुँच जाए। और हल्का सा पानी मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ताकि मसाले चिपके ना बस। और यहाँ पर आधा चम्मच नमक या स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन दबा के अलाउ कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सारे मेरे वीडियोस देख सकें। बस यहाँ पर मिलाएंगे आधा चम्मच गरम मसाला, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती श्रद्धानुसार, इनको अच्छे तरीके से करना है मिक्स। एकदम गरम मसाला मिलाने के बाद में आधा से 1 मिनट पकाना है बस। और इस तरीके से प्लेट में निकाल के इसको थोड़ा सजाना है एक बेहतरीन तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ कद्दूकस किया हुआ पनीर मिला दीजिए और ये हो गई शानदार वाली सब्जी तैयार। तो बढ़िया खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।